सो गाइज वेलकम टू प्ले कंसोल। आज की वीडियो में बात करेंगे यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड इवेंट के बारे में जो कल E3 में हुआ है, और इस इवेंट में हमें क्या मेजर गेम देखने को मिले हैं, क्या बिग अनाउंसमेंट हुए हैं यूबीसॉफ्ट की तरफ से। और बेसिकली यहाँ पे सिर्फ यूबीसॉफ्ट का नहीं बल्कि गियरबॉक्स का भी अपना शोकेस हुआ था, लेकिन गियरबॉक्स के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा आज यूबीसॉफ्ट के बारे में, क्योंकि बड़े जो रिवील्स हुए हैं वो यूबीसॉफ्ट की तरफ से हुए हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी अपकमिंग सारी गेमिंग न्यूज़ और गेमिंग रिव्यूज़ रिलेटेड वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। फाइनली यूबीसॉफ्ट ने अपने बहुत सारे गेम्स रिवील किए हैं इस यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड में, और इस यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड की स्टार्टिंग हुई थी रेनबो सिक्स एक्सट्रैक्शन से। पहले इसका नाम रेनबो सिक्स क्वारंटीन था, बाद में अब एक्सट्रैक्शन कर दिया गया है, और इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी बताई गई है, इसके गेम प्ले को रिवील किया गया है, और ये एक टोटली मल्टीप्लेयर गेम होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स एस्पेक्ट के गेम को इंट्रोड्यूस किया गया है और डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली आप इतना समझ सकते हैं कि ये एक मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, और इसमें आपको रेनबो सिक्स सीज से बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ न्यू वेपन्स देखने को मिलेंगे, और न्यू कॉम्बैट स्किल्स टेक्निक ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। स्टेल्थ मोड यहाँ पे काफी इन्हांस किया गया है जिसके बारे में बताया गया है, और साथ ही यहाँ पे रिलीज डेट भी मेंशन कर दी गई है रेनबो सिक्स एक्सट्रैक्शन की, और इसकी रिलीज डेट है सितंबर 16, 2021 की। और ये भी बता दिया गया है कि ये एक क्रॉस जेनरेशन गेम होने वाला है, बट मैं इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे क्रॉस जेन गेम आ रहे हैं, कुछ नेक्स्ट जेन एक्सक्लूसिव भी आना चाहिए था। बट स्टिल यूबीसॉफ्ट ने बहुत सारे गेम्स रिवील किए हैं। इसके बाद उन्होंने राइडर रिपब्लिक्स का भी डिटेल बताया है, जो कि एक अपकमिंग आने वाला मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम है, जहाँ पे आप मल्टीपल टाइप के एक्टिविटीज को कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये भी टोटली एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है, और इसकी भी रिलीज डेट बता दी गई है, जो कि है 2nd September 2021 की। इसके अलावा यूबीसॉफ्ट ने बहुत सारे जो लाइव गेम हैं उनके DLC के बारे में भी बात किया है, लाइक Assassin's Creed वल्हाला और Far Cry 6 के बारे में, जो कि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है लेकिन उसकी DLC की प्रिपरेशन हो चुकी है। तो Assassin's Creed वल्हाला में यहाँ पे बता दिया गया है कि बहुत सारे आप न्यू DLCs देखने को मिलेंगे, और Ubisoft अभी Assassin's Creed में बहुत सारे DLCs लॉन्च करने वाला है, इंक्लूडिंग 2022 में भी। यहाँ पे अभी जो DLC आने वाला है वो आने वाला है रिवर रेड का, 100 स्वॉर्ड का DLC आने वाला है, अदर न्यू वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग न्यू एनिमीज भी। तो ये सारे जो DLCs हैं ये Assassin's Creed वल्हाला में लॉन्च होने वाले हैं। इसके अलावा Assassin's Creed वल्हाला का एक DLC एक्सपेंशन भी आने वाला है, जो कि है सीज ऑफ पेरिस, और इसकी रिलीज डेट है इस समर की। और ये जितने भी अपडेट्स हैं ये टोटली फ्री है जिन्होंने Assassin's Creed वल्हाला परचेस किया है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे किया हो। इसके अलावा Far Cry 6 के बारे में उन्होंने एक बहुत ही मेजर DLC दिया है। यहाँ पे Far Cry 3, 4 और 5 इन तीनों सीरीज के जो विलन्स हैं उन विलन्स को लेकर आप खेल पाएंगे, इनके अपनी DLC दी जाएगी और शायद कुछ स्टोरी भी रहेगी। तो यहाँ पे आपको इन तीनों कैरेक्टर्स जो पॉपुलर विलन्स है Far Cry 3, 4, 5 का, इन्हें लेकर खेलने का मौका मिलेगा। और Far Cry हमें पता है अपने विलन्स की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर है, और Far Cry 6 में जियान कार्लो एस्पोसितो जो के मेन विलन है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, ब्रेकिंग बैड की तरफ से हम लोग इन्हें जानते हैं। तो यहाँ पे विलन की जो क्वालिटी है वो Far Cry के सीरीज में हमेशा आपको देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पे विलन पे फोकस करके इस DLC को लॉन्च किया जा रहा है, और ये भी फ्री DLC होगा सभी प्लेटफॉर्म के लिए जो Far Cry 6 परचेस करेंगे, और Far Cry 6 भी अक्टूबर 7 में लॉन्च होने वाला है इसी ईयर। तो ये जो कुछ मेजर गेम्स हैं ये यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड में रिवील हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे मिनी गेम्स हैं, एनिमेटेड गेम्स हैं, वो सारे गेम्स भी रिवील हुए थे, लेकिन इसके अलावा जो मेन जो प्रोजेक्ट है इनका जो शो के एंड में रिवील हुआ है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है Avatar Frontier of Pandora। और मैं आपको बता दूं ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, यूबीसॉफ्ट इस पे सालों से काम कर रहा था, और कुछ साल पहले भी इसके बारे में रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि यूबीसॉफ्ट Avatar गेम पे काम कर रहा है, बट बाद में ये रिपोर्ट निकल के आई कि यूबीसॉफ्ट ने इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। बट यहाँ पे E3 में यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड में सडनली यूबीसॉफ्ट ने अपना बेस्ट गेम रिवील कर दिया है Avatar Frontier of Pandora, और ये एक फर्स्ट पर्सन ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम है। तो एक्शन एडवेंचर है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा था कि ये थर्ड पर्सन है, इंक्लूडिंग मुझे भी लग रहा था कि ये थर्ड पर्सन होगा, बट यहाँ पे जब मैंने रिपोर्ट्स देखी इसकी तो यहाँ पे बताया गया ये फर्स्ट पर्सन गेम है, बट ओपन वर्ल्ड और एक्शन एडवेंचर है। तो ओपन वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है वो तो आपने ट्रेलर में देख ही लिया है, बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे सबसे एक्साइटिंग चीज जो लगी है इस गेम की वो है इसकी विजुअल क्वालिटी, यानी कि विजुअल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे जब फॉरेस्ट को दिखाया गया है डिटेल में, लीव्स वगैरह को दिखाया गया है, ट्रीज को दिखाया गया है, तो वो काफी ज्यादा डिटेल के साथ लग रहा है,
और डेफिनेटली जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ये नेक्स्ट जन गेम एक्सक्लूसिव होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से फॉरेस्ट की और ट्रीज की जो डिटेलिंग दी गई है वो करंट जन के कंसोल में पॉसिबल नहीं था। तो रियलिस्टिक के मामले में काफी जबरदस्त लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिवील्स होने वाले हैं। और एवेटर जो है ये क्रॉस जनरेशन गेम नहीं है, ये एक्सक्लूसिव नेक्स्ट जन कंसोल्स के लिए है, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 और PC, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग Google Stadia। तो बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया गया है कि ये जो गेम बनाया गया Avatar का, ये बिल्ड है Snowdrop इंजिन पे, जो कि Ubisoft का अपना इंजिन है। और इसके बारे में आपने शायद ज़्यादा नहीं सुना होगा, बट द डिविजन गेम जो है वो पहला गेम था जिसे Snowdrop इंजिन पे बनाया गया था। बाकी जो Ubisoft के गेम है वो आपने देखा होगा यूनिटी इंजिन पे बनते हैं। तो Snowdrop इंजिन का भी गेम हमने देख लिया, काफ़ी ज़बरदस्त इंजिन है और Avatar इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसकी रिलीज विंडो भी बता दी गई है कि 2022 में ये लॉन्च होने वाला है, बट एग्जैक्ट डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नेक्स्ट जन कंसोल के लिए है, 2022 में लॉन्च होगा। आई थिंक ये सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में लॉन्च हो सकता है। तो ये जो शोकेस था Ubisoft की तरफ से बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पे सबसे एक्साइटिंग जो गेम था, जो मेन शोकेस का जो थीम था, वो था Avatar, जो शो के एंड में दिखाया गया है। और इस गेम में जो इन्वायरमेंट दिया गया है वो आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट। और इतना बड़ा ओपन वर्ल्ड दिया गया है कि एक्सप्लोर करने में भी मजा आएगा और टाइम भी लगेगा। और मजा इसलिए आएगा क्योंकि इसका विजुअल काफी अच्छा है, और टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा बनाया गया है। तो ये था Ubisoft फॉरवर्ड का शोकेस इस E3 में, और E3 का पहला डे जो था वो इसी के साथ था। अब यहाँ पे आज के बारे में बता दूं, सेकंड डे ऑफ E3 आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यहाँ पे आज Xbox और Bethesda का शोकेस होने वाला है, जिसे काफी टाइम से टीज किया जा रहा था। और प्री शो स्टार्ट होगा आज 9:15 PM से, सभी चैनल पे आप देख सकते हैं, जैसा आपने Ubisoft फॉरवर्ड देखा 9:15 PM से प्री शो स्टार्ट है। 10:30 PM यानी कि 10:30 बजे रात को Xbox Bethesda का शोकेस होने वाला है। तो डोंट मिस दिस E3 शोकेस, यहाँ पे बहुत जबरदस्त गेम्स रिवील होने वाले हैं, इंक्लूडिंग इंडियाना जोन्स और स्टारफील्ड, जिसके बारे में सबसे ज्यादा लीक निकल कर सामने आ रही थी। तो सेकंड डे है आज, मिस नहीं करना है, देखना है क्या होता है। कल तो मैंने लाइव देखा था, आज भी मैं लाइव ही देखूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट रिवील कौन सा था Ubisoft फॉरवर्ड में, और किस गेम के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्योंकि Ubisoft फॉरवर्ड में बहुत सारे गेम्स रिवील हुए थे, इंक्लूडिंग मारियो प्लस रैबिट एक गेम है वो भी रिवील हुआ था, क्योंकि इसके भी फैन काफी ज्यादा हैं, और मारियो निंटेंडो का एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइज है। तो यहाँ पे निंटेंडो ने Ubisoft के साथ कोलैबोरेशन करके इस गेम पे काम किया है। तो आप मुझे कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर दें बेस्ट रिवील को लेकर Ubisoft फॉरवर्ड के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी अपकमिंग सारी गेमिंग न्यूज और गेमिंग रिव्यूज रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।